फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी लोगों का, हर बार बोलती हूँ आजकल का, आजकल हमेशा ये ब्लॉग में हो रहा है कि आप सभी लोगों का मेरे पहले हुए किचन में स्वागत है। तो अभी मेरे किचन में बन चुका है नाश्ता, जो कि है आलू की सिंपल सी सब्जी, क्योंकि कल हमने आलू उबाला था पर सूरन की सब्जी बन गई तो आलू की सब्जी नहीं बनी। तो ये आलू की सब्जी है कचालू जैसी, और इधर थोड़ी सी चटनी है टमाटर की, जो कि मैंने मीठी के टिफिन के लिए बनाई थी तो थोड़ी बच गई, तो मैंने पापा जी के प्लेट में लगा दी। और पापा जी प्याज बहुत पसंद करते हैं कच्ची वाली, या तो मूली या तो प्याज उनको चाहिए ही। तो आज पिंकी दीदी का बर्थडे है, और चलो आज देखते हैं कि आज हम क्या सेलिब्रेट करने वाला। मैंने ना एकदम फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, मुझे याद है कि अरे यार ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और फिर देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो चलो ब्लॉग में बने रहो, पहले खाना दे आते हैं पापा जी को। पिंकी दीदी, पिंकी दीदी, पापा जी कहाँ हैं? पापा जी, हैप्पी बर्थडे पिंकी दीदी। वीडियो कॉल चालू है, देखो सुबह सुबह बर्थडे विश देने के लिए वीडियो कॉल आ गया। बड़े मामा पिंकी दीदी को अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तैयार हो जाएगा तब दिखाएंगे। तो वही कर रहे थे बात, अभी देखे तो आपका फोन आ रहा था। तो बर्थडे स्पेशल तभी होता है जब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, कंटिन्यू फोन आता है ना, तो बड़ा स्पेशल लगता है। टाइम हो गया करना भाभी, कर तो नहीं एक्सेप्ट? हाँ इनवाइट जो क्यों एक्सेप्ट करिए, और देख के बताइए कैसा लग रहा है, देख कर बताओ भाई हमारे फ्रेंड्स को। क्या गिरा? क्या गिरा? अच्छा मक्खी। मक्खी नहीं गिरा, वो चिड़िया ने कुछ किया है आपके ऊपर। नहीं मक्खी है। तो अभी मेरे फ्रेंड्स आपको हैप्पी बर्थडे बोलने वाले हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप? थैंक यू सो मच बहुत सारा। हाँ पहले से ही थैंक यू है ना। और क्या? और ये मैंने पिंकी दीदी का जो ब्लॉग शूट किया है वो उनके चैनल पे देखना जरूर से। और कैसा लग रहा है ये वाला वीडियो जो मैं इंस्टा पे बनाई? हाँ अच्छा लग। अच्छा एडिटिंग अच्छी है ना, तो मैंने इनके बर्थडे के लिए एक रील बनाई है, एडिटिंग की है उसकी। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर जाके देखेगा। मेरी इंस्टा आईडी है 9 से का सोनी 9 7 9 6। तो वहाँ पे मैंने जो रील है इनको इनका बर्थडे वाला, इनको टैग करके लगाया है। बहुत अच्छी रील है, मुझे आजकल बड़ा मतलब वो बहुत ट्रेंड में है, जो चाइनीज़ शक्ल नहीं हो जाती है दोनों लोगों की मिलके, वही चीज़ मैंने बनाया है। तो आप भी देखना जरूर, ये देख रही हैं इनको बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखो। तो चलो ठीक है अभी हम लोग ये देखो, नहीं दिखेगा धूप है। नहीं दिख रहा। तो आप कौन से फ्लेवर के केक खाना पसंद करेंगी? मुझे तो वो 10 वाली पेस्ट्री दिला दो बस। नहीं तो फिर अभी तो फिलहाल मैं पूरा बड़ा सा केक भी खा सकती हूँ। आई नो। तो फिर मतलब अभी चॉकलेट फ्लेवर छोड़ के बाकी सब अच्छा है। मुझे लगा चॉकलेट फ्लेवर, वो तो फिर मैं खा सकती हूँ, पर वो या तो फिर पाइन एप्पल कर दें या बटर स्कॉच कर दें, वो भी ठीक है। कौन सा करें दोनों में से, पाइन एप्पल या बटर स्कॉच? भैया को बताना पड़ेगा ना, शाम को लाएंगे बटर स्कॉच। उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन पाइन एप्पल था, आप खा लिए थे, वो भी अच्छा लग रहा था। हाँ, अच्छा लगा। तो फिर बटर स्कॉच कर, बटर स्कॉच इनका फेवरेट वही है। तो अभी आने वाला है केक, और हम लोग फिर शाम को थोड़ी बहुत कुछ पार्टी करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ जूता धोने, मैं भूल जाऊँगी वरना, क्योंकि धूप चली जाएगी। हाँ और पापा जी जा रहे हैं मीठी को लेने, अभी मीठी स्कूल से आती होगी, पहले उसको ले लेते हैं, उसका ड्रेस वगैरह चेंज कर देते, उसके बाद घर का काम करेंगे। मम्मा को कुछ खिलाना है, और पता है मीठे पूरे कमरे में तुम भूकंप ला के गई हो और अभी तक भूकंप है। ये क्या है, कुछ मीठा खिलाओ। अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू। चेंज कर लेते हैं, फिर पापा को फोन करके बताते हैं कि कौन सा केक लाना है, ठीक है? फिर पापा केक लाएंगे शाम को। ओहो चलो सूज उतार के मीठी गई। तो अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, और अभी हमें रूम भी सजाना है, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि बहुत सारा डेकोरेशन चाहिए, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देंगे। और इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है, क्योंकि आजकल हमारे घर में डेली दाल और चावल बनना ही बनना है। तो आजकल मसाले वाली सब्ज़ी थोड़ा कम हो गई है। बस हो गई है कम, अच्छी बात है, कम खाने भी चाहिए। तो यहाँ पर चढ़ी है मेरी चाय, क्योंकि अभी चाय पीने का टाइम हो गया है। और इधर आप देख सकते हो क्या है, ये है 3 पैकेट सूजी, जो है कि मोंटू भैया का फ़ोन आ गया, तो बातों बातों भी फ़ोन आ गया। तो यहाँ पे 3 पैकेट सूजी है, जो कि आधा आधा किलो की एक एक पैकेट सूजी है, और इसका मैं बनाऊंगी अप्पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी सी धुल के रख दी है, जैसे कि ये गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मटर, और ये है दही, जो कि हम जब अप्पे बनाने के लिए सूजी को फेंटेंगे, तो दही से फेंटेंगे तो जो हमारे अप्पे होंगे वो फूले फूले और बॉल जैसे खूब स्पंजी तैयार होंगे। और इनो भी मैंने रख लिया है,
क्योंकि सर्दियों में ना जल्दी से जो ये होता है ना सूजी का अप्पे गोल गोल और फूले फूले नहीं बनते, इसलिए मैंने इन्हों रखा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं डालेंगे। तो अभी मैं सूजी को पहले पानी से भिगो के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसमें दही डालेंगे और जो ये सब्जियाँ हैं ये डालेंगे। और जब हमें तुरंत बनाना हो, जैसे जैसे ही बनाना है तो एक हमें इनो डालना होगा, उसके बाद हमें अप्पे बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अप्पे कैसे बनाती हूँ। बहुत सरल तरीका होता है, और इसी बहाने आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। बहुत हेल्दी चीज़ है और तेल भी बहुत कम लगता है। अगर जिन्हें ऑयली खाना पसंद नहीं है वो इसमें जान लो कि बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगता है। तो अभी चलो चाय दे आते हैं, वरना आपसे बात करते करते हमारी जो चाय है ये पूरी जल जाएगी। और अभी मुझे रूम भी डेकोरेट करना है, मतलब सब कुछ करना है, फटाफट से करना है। ये काम तो मोंटू भैया कर देंगे आके, क्योंकि वो गए हैं केक लेने। तो जब वो आएंगे तो सब्जी काट देंगे, और इधर मैं इसको भिगो देती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ, तब तक मेरी दाल पक जाएगी। तो ये देखिए, अभी मैंने सिर्फ दो पैकेट सूजी को ही फुलाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दो पैकेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा क्योंकि उसके बाद सबको खाना खाना है, इसीलिए दो पैकेट में हो जाएगा और इतनी सारी सब्जियां भी जाएंगी तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो हम एक पैकेट रहने देते हैं, क्योंकि ये एक किलो सूजी है पूरा, ये देखो पूरी एक किलो सूजी है। और इसको पानी में अभी भीगेगा फूलेगा, अभी सूजी जो है ये पूरा पानी पी जाएगी। तो अब इसको रेस्ट करने देते हैं ढक के, बनाने वालों की है ना, मजे रहेंगे खाने वालों के, सब कोई मेहनत करके ना खाते हैं। तो क्या ये मम्मी जी मटर छील रही हैं, ये है मोंटू भैया, देखो एकदम अनार के दाने की तरह काट रहे गाजर, वाह क्या बात है, बहुत सही, थैंक यू। ये है शिमला मिर्च, ये है फूली हुई सूजी, ये सब इसमें जाएगा। बापरे मिर्ची तो देखो दिख ही नहीं रही कि मिर्ची है, एकदम महीन कांटे मोंटू भैया कुतर दिए हैं। इतने की मिर्ची में कुछ नहीं होगा। ये है गाजर, अप्पे बनाना बहुत आसान है पर जिसको पकने में बहुत टाइम लगता है। हम डाल देंगे इसमें दही, ये है दही, अब इसको हम लोग दही से ही फेंटेंगे पूरा। चटनी में डालेंगी ना मम्मी जी, ना वो बना रही है मूंगफली की चटनी, उसी से तो इसको खाएंगे। जिसको अच्छा लगेगा टमाटर की चटनी, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो टमाटर की चटनी से खा ले। वो हरी मिर्ची नहीं, नारियल होता तो नारियल डाल देंगे, मूंगफली की चटनी में नारियल बढ़िया लगता है। ओ मंटू भैया इधर आके बताइए अपनी चटनी में क्या क्या डालें। मूंगफली, मिर्ची, नमक और अपना नारियल है। अपना नारियल है, हाँ अपना नारियल है। गिर जाएगा ज्यादा तिरछा। हाँ बस बस नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा पीस लीजिए। डाल दिए। वाह ऐसे देवर होने चाहिए, भाभी बनाए अप्पे, देवर बनाए चटनी। इसको ढक के कुछ देर के लिए रख देंगे। सो गाइज अभी यहाँ पे मोंटू भैया सजावट करने जा रहे हैं, ये देखो दम लगा के ऐसा सारी मेहनत यही कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि डेकोरेट भी करना है, क्योंकि कह रहे हैं कि हम लोग अपने बर्थडे पे तो नहीं करते हैं, पर दीदी का बर्थडे है तो थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं। मीठी के बर्थडे पे होता है डेकोरेशन, बाकी ऐसे नहीं होता। ये देखो मीठी, मीठी रेडी हो गई है, ये देखो कैसे रेडी हुई, जरा दिखा दो फ्रेंड्स को कैसे रेडी हुई हो। ओहो लिपस्टिक, मामा देखेंगे ये। अभी हम लोग यहीं पे कुछ नहीं करेंगे, मोंटू भैया देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला वो जो है उसको टांग देंगे, और यहाँ यहाँ बैलून लगा देंगे, यहाँ बैठ जाएंगे पिंकी दीदी, ठीक है, क्योंकि दीवार खराब हो जाती है फिर चिपकते चिपकते। सुंदर, वाओ रेड व्हाइट केक और रेड व्हाइट बैलून, इसीलिए वो रेड व्हाइट बैलून लाया था। और आपको शायद नहीं पता है वो मेरा आइडिया था।
देखो भाई हमसे वो नहीं बना, हमसे जो बना हम वो बना दिए जैसा बना। अरे यार चुप रहो मोंटू भाई, अच्छा लग रहा है फोटो में। आज मोंटू भाई की हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज लग रही है, अंकल जी वाली हेयर स्टाइल लग रही है। तो जब तक हम देवर भाभी बर्थडे का डेकोरेशन कर रहे थे, यहाँ पे पापा जी लग गए अपने काम पे। वो सोचे कि अभी लोग को टाइम लगेगा, तो पापा जी खुद ही यहाँ पे अप्पे बनाने तैयार हो यार हो रही ऐसे ठीक है। हैप्पी बर्थडे डियर पिंकी दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो इतना अच्छा बनकर मेरा सारा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। पिंकी दीदी को बोले थे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे केक काट देंगे, तो पिंकी दीदी हाँ ठीक है, क्योंकि इनको कहीं घुमाने ले जाने को बोले थे मोंटू भैया, तो मम्मी जी बोली नहीं, तो हम लोग घर में ही छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिए। केक कैसा लग रहा है? केक बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा अरे आप चेंज क्यों कर दी? हे भगवान मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है ठीक है ना। हो चुका है डन, और पिंकी दीदी सेल्फी भी ले ली है अपने केक के साथ, और इनको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। सिर्फ सेल्फी ले रही थी पिंकी दीदी के साथ केक के साथ, ताकि ब्लॉगिंग के बहाने हमारी सेल्फी हो जाए, वरना ये लेने नहीं देंगे। मोंटू भाई वो तो तैयार है, कह रहे मैं केक पे नहीं डाला, मैं इधर डाला ताकि केक ना खराब हो। तो हमारा बर्थडे हो चुका है और पापा जी अप्पे बना रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया, और फिर हम लोग अप्पे खाएंगे, पिंकी दीदी भी खाएंगी, गुन्नू भी खाएगी, और गुन्नू आज ब्लॉगिंग करी है। थैंक यू सो मच गुन्नू, के लिए एक लाइक कर देना, और पिंकी दीदी कैसी लग रही है वो कमेंट करके बताना, ठीक है? अच्छी लग रही है। ये ड्रेस मुझे सूरज ने दिलाई थी। हाँ बर्थडे की, पर मेरे सूरज नहीं है यहाँ पे, मिस कर रही है। चलो इसी बहाने वो क्या बोलते हैं, फीलिंग सामने आ गई है ना, दिल की बात जुबान पे आ गई। कोई नहीं, बहुत जल्दी, बहुत जल्द मिलने वाले है ना। तो चलो पार्टी एंड हो चुकी है, और हमेशा की तरह किचन की कमान हमारे पापा जी मतलब ससुर जी क्या बोलते हैं, हाँ, कमान क्या करते, कमान को क्या करते, संभालते हैं, हाँ कमान को संभाल लिए हैं। और ये रहा हमारे हमारा अप्पे और केक, इसलिए कमान संभाल लिए हैं क्योंकि कमरे में भूकंप आ चुका है, और वो जान रहे कि अभी इस भूकंप को समेटेंगे तभी हम यहाँ सो पाएंगे। तो ये रहा आज का हमारा बहुत शानदार और यादगार ब्लॉग, जो हमेशा हमें याद रहेगा, और इसके बाद हमारा एनिवर्सरी ब्लॉग भी आएगा, और एक बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है जो कि सस्पेंस है, जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ से शानदार ब्लॉग और आने वाला है ना पिंकी दीदी। तो चलो आ जाओ आप लोग भी खा लो हम लोग के साथ केक और अप्पे। एक तो फूल खिला दो, ये देखो एक तो नहीं, ये पिंक वाला खाऊंगी। हैप्पी बर्थडे बोलो मिठी। तो हमारे बर्थडे पार्टी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, और ये बिहाइंड द सीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी और रूम भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो अभी साफ़ सुथरा करके ही सोते हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।